अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गए थे गार्डन में। ये है 40 गांव का, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हरा भरा सा गार्डन। और दोनों बच्चों की फरमाइश थी कि हमको आज शाम में गार्डन ही जाना है, तो इनके भी काम की छुट्टी थी, तो हम लोग पहुंच गए गार्डन में। और यहाँ पर बच्चों का बड़ा ही इन्जॉय होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। और ये हम कुछ 3-4 महीने के बाद गए थे यहाँ पर। ये हुनैन देख रहा था मेरा भाई कब तक झूलता है, और उसके बाद मेरी बारी लगती है। ये देखिए, सब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो भी नए हैं और जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और ये यहाँ पर हुनैन को बिठाए, तो हुनैन बहुत डर रहा था, रो रहा था, तो फिर उसको उतार दिए उसके अब्बू ने, और हसनैन को कंपनी देने लगे वही खुद, कि सब बच्चे झूल रहे थे ना। फिर वो हसनैन का बहुत मन था इस पे बैठने। ये देखो अब हुनैन को ज़्यादा शौक आने लगा, मैं भी बैठूंगा करके। ये हसनैन तो पूरे मज़े करता है, पूरा इन्जॉय करता है गार्डन में। और क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। कहीं तो है नहीं यहाँ पर ऐसी कोई दूसरी जगह, सिर्फ गार्डन ही है और हमारी दरगाह है। वहाँ पर बहुत कम जाना होता है। और ये देखो कितना खूबसूरत मंज़र था, शाम में बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर जाइए, गार्डन के मज़े लीजिए। और जो बैड कमेंट करते हैं वो प्लीज़ ये वीडियो भी ना देखे, और ख़राब कमेंट्स ना करे, जो अच्छे हैं वो ही करे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, बहुत अच्छा है सब कुछ। और ये लोग तो सभी मज़े ले रहे थे, और मैं शूट करने में लगी थी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और मेरी कुछ बातों का बुरा लगाऊंगा तो इसके लिए सॉरी। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ, मैं अब पीछे नहीं पलट सकती हूँ। ये देखिए उन्हें, इनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर मैं बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी घूम घूम कर। फिर हर जगह तुमको हरी भरी चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पर बहुत सारे झाड़ है। पहले हम लोग बहुत आते थे स्कूल के टाइम। और ये देखिए गार्डन में आके आप लोग डाबेली ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरा मज़ा डाबेली में है यहाँ पर, बहुत ही टेस्टी मिलती है। अल्लाह हाफिज़।